पकड़े, हमारा कोई लेना देना नहीं इसे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कोर्ट के अंदर टाइटल का केस चल रहा है, अगर जिसने भी पैसे लिए हैं और जिसने भी दिए हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमारे समाज की जनता की प्रॉपर्टी है, हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार है हमारे समाज की चीज को बचाने का। जिसने बेची है वो जाने, उसका काम जाने, हमें इससे मतलब नहीं है। पार्षद साहब को आइए। मदार रेलवे स्टेशन के पास चर्च की जमीन पर रास्ता निकालने के चलते हुआ विरोध। रास्ता निकालने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचे एडीए के दल को लौटना पड़ा बेरंग। मदार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक मेथोडिस्ट चर्च की तकरीबन 106 बीघा भूमि पर जहां भूमाफियाओं की नजर है, वहीं मसीह समाज के कुछ लोग इस बेशकीमती भूमि को भूमाफियाओं से मिलकर खुर्द बुर्द करने की फिराक में है। वहीं यहां से रास्ता निकालने के लिए गुरुवार को एडीए का दस्ता 2 जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच गया। स्थानीय पार्षद सुनील धनका ने बताया कि गुरुवार सुबह अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी 2 जेसीबी मशीन लेकर जमीन पर बनी पुरानी दीवार को तोड़ने के लिए पहुंच गए। उन्होंने दीवार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी कर दिया, लेकिन जानकारी मिलने पर मसीह समाज के लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गए और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि चर्च की इस अरबों रुपए की भूमि पर भूमाफियाओं की भी नजर है, वहीं मसीह समाज के कुछ लोग इस भूमि को बेचने की ताक में हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों और मसीह समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। विरोध बढ़ता देख आखिर अजमेर विकास प्राधिकरण से मौके पर पहुंचे कर्मचारी जोशी और मनोज को जेसीबी मशीन लेकर वापस बेरंग लौटना पड़ा। सूचना पर मौके पर अलवर गेट थाना पुलिस भी पहुंची और लोगों से समझाइश कर उन्हें वहां से रवाना किया। फिलहाल मौके पर यथास्थिति बनी हुई है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कोर्ट के अंदर टाइटल का केस चल रहा है, अगर जिसने भी पैसे लिए हैं और जिसने भी दिए हैं वो जाने, उनका काम जाने। हमारे समाज की जनता की प्रॉपर्टी है, हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार है हमारे समाज की चीज को बचाने का। जिसने बेची है वो जाने, उसका काम जाने, हमें इससे मतलब नहीं है। पार्षद साहब को आइए। है और ये एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, बीघाओं में जमीन यहाँ पे पड़ी हुई है। चर्च की जमीन है, मेथोडिस्ट चर्च के नाम पे जमीन है, जिसमें कई एक तरफ 52 बीघा है, कई बोल के 113 बीघा है। बहुत लंबी चौड़ी जमीन यहाँ पे पड़ी हुई है और ये बिल्कुल मदार रेलवे स्टेशन पे टच की जब वाली जमीन है, जहाँ पे एक चर्च बना हुआ है। आज यहाँ पे सुबह सुबह जानकारी मिली मुझे फोन के द्वारा कि यहाँ पे एडीए के जाप्ता आके जो अपनी जो चर्च वाली जमीन है दीवारें हैं उनको तोड़ रहे हैं और यहाँ से एक रास्ता निकालने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग मौके पे पहुंचे, यहाँ पे ईसाई समुदाय के लोग भी थे, वो भी यहाँ पे एकत्रित हो गए थे। वो लोग चाहते हैं कि ये रास्ता ना खुले, इनका जो मंदिर है इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है इसके साथ में, इसके तहत हमने यहाँ पे मांग करी। तो एडीओ से बात करके एडीओ वाले अधिकारी जोशी जी थे और एक मनोज जी थे, वो 3 जेसीबी लेके यहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे, वो तोड़ा तोड़ी कर रहे थे, लेकिन पुलिस जाप्ता कोई मौजूद नहीं था और माहौल इतना गर्म हो चुका था, तो उनको निवेदन करके यहाँ से भेजना पड़ा और चले भी गए मौके से। और अभी जो माहौल है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और जो भी मामला, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी मामला है निष्पक्ष सामने आवे। एक पक्ष कह रहा है कि इन्होंने पैसे ले लिए, एक पक्ष कह रहा है इन्होंने पैसे ले लिए, कोई डीएसपी नाम लगा रहा है चर्च के, तो कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से कि भाई इस मामले को क्लियर करें, ताकि ये जो जमीने को ये जो माहौल हो रहा है, जमीनों का भी कौन खरीद रहा है, कभी कौन खरीद रहा है। हालांकि ये जमीन जो अभी जो मौके पे जमीन है, ये मेथोडिक चर्च के नाम से बोल रही है, ईसाई समुदाय की जमीन है, इनका ये मंदिर है, चर्च मंदिर में ही आता है इस तरह से, तो मंदिरों में कोई तोड़फोड़ होती नहीं है। इसके तहत एडीए इसको क्लियर करे, सब कार्रवाई करे, तो कोई मजा भी आवे। ऐसे अचानक से कोई कार्रवाई करे तो माहौल गर्म होना ही है। इसमें जैसे कि बताया जा रहा है कि इस जमीन के ऊपर स्टे भी है, तो ये चीजें सारी क्लियर नहीं हो पा रही। एक बार क्लियर हुए तभी मुद्दा पता पड़ पाएगा। तो इसी के तहत अभी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या है, डीएस साहब से भी बात करेंगे। सुनील धान का वार्ड क्या आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें किसी भूमि? सर इसमें तो टोटल 113 बीघा जमीन है, जिसके अंदर 106 बीघा करीब जमीन है। इसमें कहीं कौन मालिक बन के बैठा है, कहीं कौन मालिक बन के बैठा है कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन जमीन चर्च की है। तो एक भूमाफिया जो आप कह रहे हो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत जमीनों पे कोई कहाँ हक जमाता है, कोई कहाँ हक जमाता है, कभी कोई जेसीबी चला रहा है, कभी कोई किसी कचरे का कचरा होता कहाँ पे, और कार्रवाई इस जो ईसाई समुदाय की जमीन है, इधर प्लॉटिंग कर देते हैं, मकान बेच दिए, मकान बना दिए गए, मौके पे मकान बन गए। मैं गलती मतलब इनकी बताना चाहूँगा कि डीएस साहब जो मौके पे रहते हैं, उनकी आंखों के सामने हो रहा है, तो उनको भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए।